यार ये सांप फिलहाल पेड़ पर चढ़ गया, शिकारी सांप है। मेरा एक आपसे निवेदन था कि हम जो ये सांपों को रेस्क्यू काम करते हैं, ये काम हमारा नहीं है, ये काम वन विभाग का है, या इनके जो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए कर्मचारी हैं उनका है। मैं तो एक सिर्फ जनसेवा के रूप में सामने आता हूँ कि सांप भी ना मरे, इंसान को भी कुछ नुकसान ना हो। परंतु अभी तक तो हमें लग रहा था कि हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी विभाग से, परंतु अब ऐसा लगता है कि हमें भी अनुमति, सांपों को रेस्क्यू करने की अनुमति लेनी पड़ेगी विभाग से। मेरा निवेदन है कि आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ दें और इस मेरे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी उच्च अधिकारियों को, चाहे वन विभाग के हों चाहे सरकार के हों, उन तक पहुँचे कि हमें एक सांपों के रेस्क्यू के लिए एक अनुमति पत्र दी जाए, ताकि हम और बेहतर ढंग से इस काम को कर सकें। धन्यवाद। ये हिमालयी सांप था, कैट स्नैक, इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और मेरे द्वारा वन विभाग के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे जानकारी ली गई थी इस सांप के बारे में। तो बताया गया कि इसमें जहर तो होता है पर कम जहर होता है, किसी का जीवन खतरे में तो नहीं पड़ सकता, परंतु सांप तो सांप ही होता है। ये हमारे क्षेत्र का दुर्लभ सांप है और ये अधिकतर पेड़ों पर रहता है, जहाँ पर चिड़िया, कौवे, तोते या जो भी पक्षी अंडे देते हैं उनके बच्चे और अंडे के शिकार की तलाश में ये पेड़ों में चढ़ जाता है, या घरों में जो घोंसले होते हैं वहाँ रहता है। अधिकतर हमारे द्वारा ये वहीं पर पकड़ा गया जहाँ पर चिड़िया, कौवे, तोते या और भी जितने भी पक्षी हैं उनके बच्चे होते हैं अंडे के आसपास ही पकड़ा गया। इसको भी इसके प्राकृतिक वाले में छोड़ दिया गया। चलिए देखते हैं आगे शाम तक कितने सांप और पकड़े जाते हैं, कोशिश करेंगे सूचना पर पहुंचने की। धन्यवाद।